नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम आशा के किरण में आप सबका स्वागत करती हूं, मैं स्मिता। आज के अंक में देखेंगे कैंप स्कूल और ग्रामीण युवाओं के लिए आईटी ट्रेनिंग। कोल्हान की बेटियों को शिक्षित करने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिला नवमुंडी अंचल में टाटा स्टील द्वारा चलाया जा रहा है एक विशेष कैंप स्कूल। इस पर एक विशेष रिपोर्ट। टाटा स्टील द्वारा झारखंड राज्य स्थित अपने संचालन क्षेत्र के आसपास के आदिवासी बहुल इलाकों में शिक्षा की ज्योत जलाने के लिए एक नायाब पहल कर रही है। जी हाँ, हम कैंप स्कूल की बात करेंगे। निरक्षर बच्चियों के लिए कैंप स्कूल एक ऐसा पड़ाव है जहाँ बच्चों को व्यावहारिक साक्षर बनाकर विद्यालय में दाखिल किया जाता है। कोल्हान की बेटियों को शिक्षित करने की ये बीड़ा टाटा स्टील ने उठाया है। इसके लिए टाटा स्टील ने पश्चिमी सिंहभूम जिला के नोआमुंडी अंचल में कैंप स्कूल खोला है, जिसमें आदिवासी बहुल क्षेत्र के गांव के बच्चियां जो अब तक शिक्षा से दूर थी उन्हें शिक्षित कर रहा है। घर परिवार की खराब आर्थिक स्थिति समेत अन्य कारणों से स्कूल जाने से वंचित रह चुकी इन बच्चियों को टाटा स्टील कैंप स्कूल के माध्यम से शिक्षित करने में जुटा हुआ है। ये प्रोजेक्ट 2005-06 में शुरू हुआ था। उसी समय ये कैंप स्कूल नोमंडी ब्लॉक का टोटल 11 सेंटर में चल रहा था, उसमें नोमंडी का एक सेंटर शुरू हुआ था। कैंप स्कूल एक बहुत सुंदर ही स्कूल हुआ, जिसमें बच्चे ड्रॉप आउट बच्चे जो हैं इसमें आके अपना पढ़ाई पूरा करते हैं। कुछ बच्चे कभी स्कूल नहीं गए हैं और परिस्थिति के कारण वो अपने घर के परिस्थिति के कारण घर कहीं कहीं काम उम करते हैं, वो बच्चे को भी हम लोग लेते हैं। बच्चे जो हैं ये अपना हो भाषा के सिवा कुछ नहीं जानते। वर्ष 2005-06 से नोमंडी बाजार में टाटा स्टील कैंप स्कूल चला रहा है, जहां औसतन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आदिवासी बच्चियां शिक्षित हो रही है। यहां बच्चियों को टाटा स्टील ग्रामीण विकास समिति यानी TSRTS की ओर से न सिर्फ निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाती है, बल्कि उनके लिए भोजन से लेकर रहने तक की व्यवस्था की जा रही है। इससे गरीब बच्चियां बिना किसी चिंता फिक्र के मन लगाकर पढ़ाई कर रही है। यहाँ के अनुभवी शिक्षिकाएं इन बच्चियों को सरल भाषा में गणित, हिंदी, विज्ञान और अंग्रेजी विषय का ज्ञान दे रही है। यहाँ पर 100 बच्चों का एडमिशन होता है और इन लोगों को हम लोग सबसे ज़्यादा मैथ, इंग्लिश और आपका हिंदी और साइंस पर ध्यान देते हैं। बच्चों को 1 से लेकर 5 तक पढ़ाना है, लेकिन हम लोग का ज़्यादा चेष्टा रहा कि हम लोग 7-8 भी पढ़ा दें। मेरा दीदी पहले पढ़ती थी यहाँ पे, ऊपर के गई, अच्छी पढ़ी तो हम लोग सुने कि कैंप स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, तो हम लोग यहाँ आए। 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ाया जाता है, यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ का बहुत अच्छी सुविधा है। इस कैंप स्कूल में वर्तमान में 9 वर्ष से 14 वर्ष की कुल 97 बच्चियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इन बच्चियों को 9 माह में 4थी कक्षा तक का पाठ पढ़ाया जाता है। इसके बाद उन्हें इस काबिल बना दिया जाता है कि वो अपने गांव के आसपास स्थित विद्यालयों में दाखिला लेकर आगे की पढ़ाई जारी रख सके। इतना ही नहीं, इस कैंप स्कूल में बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा हो सके इस उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक शिक्षा भी दी जा रही है। ये 6 बैच चल रही है अभी, इसमें आपकी टोटल 97 गर्ल्स है, जिसमें 79 ट्राइबल ST कैंडिडेट है और कुछ SC एंड OBC है। यहाँ पे खेल कूद सिलाई सब कुछ सिखाया जाता है। टाटा स्टील जब हम लोग बुखार बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल लिया जाता है। मैं यहाँ से आगे पढ़ के कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ। मेरा माँ अपना पैर में खड़ा होना चाहती हूँ, मेरे माँ बाप का सहारा बनना चाहती हूँ। टाटा स्टील की इस प्रयास से अब वो दिन दूर नहीं कि गांव-गांव में शिक्षा रूपी दीप जलेगा और अज्ञानता के अंधकार दूर होगा। युवाओं के कौशल विकास के लिए IIST के सहयोग से धनबाद में टाटा स्टील द्वारा प्रारंभ किए गए हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग प्रोग्राम पर एक रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में जितना सॉफ्टवेयर के जानकारी की मांग है, उतना ही हार्डवेयर और नेटवर्किंग का ज्ञान रखने वालों के लिए नौकरी की भरमार है। लेकिन हार्डवेयर व नेटवर्किंग कोर्स की ऊंची फीस के कारण चाहकर भी गरीब परिवार के युवा इस क्षेत्र से दूरी बनाए हुए हैं।
ऐसे ही ग्रामीण युवाओं के लिए टाटा स्टील वरदान के रूप में सामने आया है। टाटा स्टील ने अपने ग्रामीण इलाकों के युवाओं को प्रशिक्षण देने की पहल शुरू की है। टाटा स्टील ने TSRDS के माध्यम से प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी से करार कर युवाओं को प्रशिक्षण दिला रहा है। किसी भी कंपनी में जो है एम्प्लॉयमेंट का एक रिस्ट्रिक्टेड नंबर रहता है, आप उसको एम्प्लॉयमेंट करते नहीं जा सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपका ये भी जिम्मेवारी है कि लोग कैसे एम्प्लॉय हों। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया, आज के जो यूथ हैं जो क्लास 10th क्लास 12th पास किए हैं उनको एक बेसिक ट्रेनिंग देके IAHT से हम हार्डवेयर ट्रेनिंग दी है, उसके बाद ताकि वो कुछ सीखें और जाके काम करें और अपना जीविकोपार्जन करें। वर्ष 2012 के सितंबर माह से शुरू हुआ टाटा स्टील के इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से ग्रेजुएशन तक पढ़ाई पूरी कर गांव में बेरोजगार बैठे युवाओं को चयनित किया है। इन युवाओं को धनबाद के बैंक मोड बाजार स्थित IIHT संस्थान में दाखिला दिलाया गया है। कुल 109 युवाओं को 9 माह का कोर्स कराया जा रहा है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसके लिए टाटा स्टील कंपनी प्रत्येक छात्र पर 17,000 रुपए खर्च कर रही है। सितंबर 2012 में IIHT का TSRDS के साथ थ्रू हुआ था कोलेबरेशन, जिसके अंतर्गत 109 बच्चे को हम लोग यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग के चीफ और IIHT के रीजनल डायरेक्टर के साथ कोलेबरेशन हुआ था, उसमें ये हुआ फाइनल की मैंने हम लोग हार्डवेयर कंप्यूटर का बच्चे लोगों को ट्रेनिंग यहाँ धनबाद IIHT के द्वारा हम लोग दिलवाने का। एक बच्चे पर 17,000 खर्च हो रहा है कंपनी। जब TSRDS से हम लोग को नोटिस मिला कि कंप्यूटर हार्डवर्किंग के लिए हम लोग को कराया जा रहा है, तो हम लोग एप्लीकेशन जमा करके फिर उसके लिए फिर हम लोग का सिलेक्शन किया गया। इंटरव्यू भी हुआ, हम लोग से जो बाहर से सर आए हुए थे वे इंटरव्यू लिया और उसके थ्रू हम लोग का सिलेक्शन हो गया। फिर हम लोग IIHT में हम लोग को यहाँ पर क्लास करने का मौका मिला। जहाँ तक हमें इस कोर्स के बारे में बताया गया है, क्योंकि हमारा तो फीस लगा नहीं है, ये टोटल TSRDS के थ्रू से हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट कराया गया है। इन 9 महीनों में युवाओं को हार्डवेयर नेटवर्किंग के साथ साथ सॉफ्टवेयर की भी जानकारी अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जा रही है। गांव के युवा अब कंप्यूटर मरम्मत का काम मन लगाकर सीख रहे हैं। कोर्स पूरा होते ही युवाओं के पास अपना रोजगार होगा। यहाँ पर हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाते हैं, हार्डवेयर सिखाते हैं, नेटवर्क सिखाते हैं, ऑफिस सिखाते हैं, कम्प्लीटली ट्रेनिंग दी जाती है पूरी एक साल का। ये ट्रेनिंग एक ऐसा ट्रेनिंग है जिसके इसमें अच्छे से पढ़ाई करेंगे 100% हर एक बच्चे को काम मिल जाता है इस फील्ड में। 9 महीने का कोर्स है एग्जैक्टली, और इसमें कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर के हार्डवेयर रिलेटेड सारे कुछ, मदरबोर्ड, CPU और हर एक चीज़ को ट्रबल शूट करके उसको उसमें जान सकते हो क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और आप किसी भी इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी कंप्यूटर को खुद से ऑपरेट कर सकते हो, खुद को ठीक कर सकते हो और उसको चला सकते हो। अभी तक हम लोग एनालॉग पढ़ाया गया, डिजिटल के बारे में बताया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे MS ऑफिस, वर्ड वगैरह, जैसे DCA का जितना कोर्स होता है वो सब सारा अभी तक बताया गया है। फिर नेटवर्किंग के बारे में भी पढ़ाई चल रहा है और आगे भी अभी इसका बहुत बाकी है, और SMPS वगैरह, मदरबोर्ड के बारे में बताया जा चुका है अभी तक। ये चीज़ हम लोग जो IIHT के थ्रू से कर एडवांस के कोर्स उसको करके हम लोग घर बैठे नहीं रह सकते हैं, उसके थ्रू हम लोग बहुत आगे कर सकते हैं, कमा सकते हैं। उत्साहित छात्र उज्जवल भविष्य के सुनहरे सपने देख रहे हैं जो गाँव पर रह कर कभी पूरा नहीं हो सकता था, लेकिन TSRDS की मदद से उनका सपना साकार होने जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं कि ये युवा न सिर्फ अपना बल्कि गरीबी का दस्त झेल रहे अपने गांव परिवार को भी उन्नति की ओर ले जाएंगे। आशा के किरण कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना राय बांट सकते हैं ईमेल के जरिए। हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल आईडी है sankalptv@gmail.com। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार शाम 6:50 पर। तब तक के लिए नमस्कार। प्रस्तुत करता है टाटा स्टील, वैल्यूज स्ट्रॉन्गर देन स्टील।